चार बजे भाई रेडी हो जा जल्दी, बीच में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ये सो रहा था 7 बजे। मतलब इतना शांत और सुकून बीच पहली बार देखा हूँ मैं भाई, जितना भी बीच घुमा हूँ। वो मछुआरे हैं उधर, तो एक शिप भी है वहाँ पे। उड़ीसा के शांत समुद्र तटों में से एक ही नहीं, बल्कि इंडिया का बंदरगाह में से एक है पारादीप। जी हाँ दोस्तों, पारादीप उड़ीसा। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पारादीप। चलिए जल्दी से जल्दी ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों पेश है आप लोगों के लिए फर्स्ट एपिसोड का रिकैप। तो अभी तक आप लोगों ने देखा है कि संबलपुर से हम पारादीप पहुंच चुके हैं और आज सुबह सुबह हम पारादीप घूमने जाएंगे। अगर आप फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे हैं ये सीरीज का, तो जाइए पहले फर्स्ट एपिसोड देखिए, उसके बाद सेकेंड एपिसोड देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम पारादीप। आई होप आप लोगों का मॉर्निंग गुड हो, क्योंकि मेरा मॉर्निंग तो अभी गुड हुआ नहीं, क्योंकि मैं फ्रेश नहीं हुआ। कल दिन भर पूरा जर्नी में गया है, रात को कुरांटो मछ खा के इतना अच्छा नींद आया। ऊपर से ये एसी ललित का मैं शायद ये एसी को पूरा एकदम ठंड कर दिया, जैसे मुझे लग रहा है मनाली में। फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे सीधा बीच, बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद जाएंगे पोर्ट। पोर्ट में थोड़ा घूमेंगे, पोर्ट देखेंगे, कभी पोर्ट देखा नहीं है। उसके बाद हम वहाँ से सीधा निकलेंगे भितरकनिका का, ऐसा प्लानिंग था। लेकिन प्लानिंग जो है पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे होटल में कुछ लोग हैं जो बोल रहे थे हमको कि पोर्ट अभी जाने के लिए मना कर रहे हैं, अलाउ नहीं है सबको पोर्ट घूमने के लिए कोविड के बाद से। तो इसीलिए हमारा प्लानिंग में चेंज किया और सुबह उठ के हम अभी सीधा जाएंगे पोर्ट। थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे सोच रहे हैं कि हमको थोड़ा घूमने जाने दें, अनुमति दें घूमने के लिए बोल के, यही आशा लेके अभी सीधा जाएंगे पोर्ट। उसके बाद जाएंगे बीच, बीच में थोड़ा मस्ती करेंगे, फिर निकलेंगे भितरकनिका। ये ब्लॉग तो देखेंगे ही आप, लेकिन प्लीज़ अगले ब्लॉग भी ज़रूर देखिए, क्योंकि भितरकनिका बहुत ही अमेजिंग जगह है दोस्तों। फिलहाल चलते हैं फ्रेश होने, फ्रेश होने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे पोर्ट। जीसी पांथनिवास पारादीप में हम लोग स्टे किए हैं। 1500 रुपये इसका कॉस्ट है। बहुत अच्छा प्लेस है, सीनरी कूल कूल रिसोर्ट जैसा फील आ रहा है। एकदम बीच के सामने है और इधर पोर्ट के सामने है। अच्छा लगा कि नहीं भाई रिसोर्ट? अच्छा लगा भाई, अच्छा। कोविड के बाद से ही पोर्ट के अंदर जाना बंद कर दिए शायद, नहीं है यहाँ दूर से ही देखने के लिए हमको परमिशन मिला है, वो बस 5 मिनट का। सीट वगैरह का व्यू देखते हैं और निकलते हैं यहाँ से, मतलब गाली में मिलेगा यहाँ से। ठीक है, आर्मी वाले खड़े हैं पीछे। चलो दोस्तों, पारादीप आने का मेन कारण ही यही था कि पोर्ट देखना। अगर अंदर जाने देते, घूमने देते तो बहुत अच्छा लगता, कितना सुंदर नज़ारा है सुबह का। क्या कोई बात नहीं, जितना भी हो देखे पोर्ट। शिप देखने से मेरे मन में एक अजीब सा हलचल होता है, शिप में बैठने का मन करता है। खैर कोई बात नहीं, जितना भी देखे देखे अच्छा लगा। से
सीधा हम लोग निकल रहे हैं पारादीप बीच, हमारे सामने जो हमारा रिसोर्ट के सामने यानी कि होटल के सामने जो बीच है वहाँ पे जाएंगे अभी। और आज पारादीप में हमारा डे टू है, तो आज हम भितरकनिका निकलने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाएंगे, अभी लेट भी हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, बीच में थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड करेंगे और निकलेंगे सीधा भितरकनिका। ये ब्लॉग देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। वाह, रोड साइड में शायद सूर्य नमस्कार का स्टैचू बनाया हुआ है, या फिर योगासन का है, ये शायद योगासन है कोई। तो हम आ चुके हैं पारादीप बीच, जहाँ की समुद्र का नज़ारा सामने है, हम वही जा रहे हैं देखने। तो देख सकते हो समुद्र का नज़ारा, सनराइज सुबह सुबह। कोई कीड़ा है जो यहाँ पे ऐसे नेचुरल आर्ट बना रहा है। बहुत खाली पड़ा है बीच देखने भाई, टूरिस्ट कम है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है, सुकून है यहाँ पे। टाइम नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा खाली रहता है पारादीप बीच, नहा भी नहीं रहे हैं लोग, तो लेकिन आ जाता भाई, लेकिन सुकून है भाई। लेकिन घूमने के लिए बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त लग रहा है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा पारादीप आके, बहुत पढ़े थे इसके बारे में, बचपन से पढ़े थे, लेकिन आज तक देखने का मौका नहीं मिला था मुझे। बहुत अच्छा है, शांत बीच है, उतना हलचल नहीं है, ज्यादा वाइल्ड भी नहीं है समंदर। बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, तो मेन बात वही है, पोर्ट का ही, पोर्ट के लिए ही पारादीप यहाँ पे बसा हुआ है मेरे हिसाब से। टूरिस्ट भी कम आ रहा है यहाँ पे, लेकिन लग तो रहा है अच्छा। तो दोस्तों कैसे लग रहा है बताइए, ब्लॉग कैसा लगा बताइए। हम लोग तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, आप भी आइए एंजॉय कीजिए। बहुत ही शांत बीच, शांत बीच है सही में, लोग सही बोले थे कि ये शांत बीच है उड़ीसा का। यहाँ का जो मजा है ना, तो जो भी है अभी आके एंजॉय कीजिए। हम यहाँ से निकलते हैं सीधा भितरकनिका, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाई, बाय बाय। बट भाई आधा 1 आवर मुझे चाहिए भाई यहाँ के फोटो भाई, वरना मजा नहीं आएगा। 4 बजे भाई रेडी हो जा जल्दी, बीच में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ये सो रहा था 7 बजे नहीं, मुझे फोटो उठाना, फोटो उठाना, और यहाँ पे जीत कर रहा है कि ज्यादा टाइम रुकेंगे बोल के। बहुत अच्छा जगह है ये, बहुत शांत प्लेस है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे मजा लो।